हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यार थोड़ा सा कि आप फ्यूचर प्लान क्या होगा, बिकॉज हम जानते हैं बायोकेमिस्ट्री का जो मैक्सिमम हिस्सा हम कवर कर चुके हैं, क्या थ्योरेटिकली हम कवर कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ठीक है। अब आने वाले हफ्ते हम मॉलिक्यूलर वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पढ़ाना बाकी रह गया, जो बड़ी यूनिट है वो मॉलिक्यूलर ही रह गई है। उसके अलावा मैंने सारी बड़ी यूनिट ख़त्म कर दी, छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे, है ना, लाइक कुछ मिनरल्स बचेंगे, है ना, एसिड बेस डिसऑर्डर्स वगैरह बचेंगे, है ना, आपका KFT बचा, मतलब छोटे मोटे टॉपिक जो कि हफ्ते 10 दिन में निपट जाएंगे, ठीक है। और हमें मॉलिकुलर एक बड़ी यूनिट है जो कि 10-15 दिन लगेंगे उसमें, वो अभी रह रही है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि 80% ऑफ बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अब ये एक सही समय है, मैं बोलूँगा सही समय है कि अब मुझे बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा मतलब और इसको एक्सप्लोर करना है। इन टर्म ऑफ व्हाट, लेक्चर्स बन गए हैं, ठीक है, अब क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट, है ना, हमें ग्रो करना है ना, आगे आगे पढ़ते रहना है। तो व्हाट नेक्स्ट, अब मैं आऊँगा नोट्स पे, ठीक है ना। मतलब क्या, मैं हैंड रिटन नोट्स आपके आने वाले, आप देखोगे 20 दिन के अंदर अंदर बहुत से चैप्टर्स के नोट्स आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या पता वीडियो की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। अभी तक क्या था, 3 महीने तक लगातार वीडियोज आ रही थी, क्यों, बिकॉज मेरी पहली प्रायोरिटीज थी कि इस चैनल पे कंटेंट पढ़े पहले, ठीक है, इस चैनल पे कंटेंट पढ़े। अब वो प्रायोरिटी मेरी फुलफिल हो रही है बायोकेमिस्ट्री को लेके, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट पहले बायोकेमिस्ट्री ही था, तो मैं उसको पूरा कवर करूँगा पहले, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का जब मैंने देखा कि 80% ऑफ सिलेबस मैंने डाल दिया पिछले बीते 3 महीने के अंदर अंदर, और अब ये सही समय है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स के ऊपर काम करना चाहिए। अब नोट्स के ऊपर ऐसा काम करूँगा नहीं कि वीडियो बना के काम कर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो मुझे यार कैमरा ऑफ करके खुद काम करना, जब बन जाएंगे तो 5 मिनट की वीडियो बना के वो मैं लॉन्च कर दूंगा नोट्स, भैया ये लिंक है, ये टेलीग्राम है, जाके पढ़ लो, है ना, ये आपके नोट्स हैं, वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, हो गया आपका काम, ठीक है। तो वो मुझे काम मुझे करना है यार, वीडियो मैं बनाता हूँ, नोट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, तो लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो आने वाले कुछ समय में बायोकेमिस्ट्री की वीडियो आएंगी, बट मे बी फ्रिक्वेंसी वाइज हर दिन एक नहीं आएगी, हर 2 दिन में एक आ जाएगी, या फिर हर 3 दिन में 2 आ जाएंगी, है ना। कोशिश करूँगा डेली, लेकिन अगेन मेरी भी पढ़ाई होती है यार, वो भी सफ़र कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सब कुछ मैनेज करते हुए ये सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो अब नोट्स के ऊपर मेन फोकस रहेगा, आने वाले कुछ नहीं, आने वाले आपके ये लाइट यार पड़ती है, ठीक है, हाँ, आने वाले 20 से 25 दिन में आपको बहुत अच्छे हर चैप्टर्स के मोटा मोटा जो मेटाबॉलिज्म वाले हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ क्या हो गया था, हाँ ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वाले हिस्से पहले स्टार्ट करें, एंजाइम के नोट्स दूंगा आने वाले अगले हफ्ते ही, ठीक है। और फिर आपके क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सबके नोट्स आराम सीक्वेंस वाइज आएंगे, एकदम से नहीं आ जाएंगे, बने रखे मेरे पास कि भैया कोई बनाने वाला बैठा हुआ है और वो पूरे साल बना रहा है, नहीं मुझे ही बनाने हैं, ठीक है। तो मुझे ही बनाने हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, वीडियोज़ वाला थोड़ा सा हिस्सा रोकना नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आने वाला कुछ फेज चलने वाला है बायोकेमिस्ट्री को लेके। आने वाले 20 से 30 दिन के अंदर अंदर मैं आपको नोट्स काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप उसका आराम से प्रिंट आउट निकाल लेना और आराम से आप पेपर वगैरह आ रहे हो पढ़ सकते हो, आप वीडियोज़ देखो वो पढ़ो, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। एंड मैं बिलीव करता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। मैं काफ़ी जगह से मैंने देखा कि यही टॉपिक आपके आ रहे हैं हर साल, एंड सब कुछ कवर उसके अंदर करा गया है, समझाने की पूरी कोशिश करी, जिसने भी क्या देखे हैं आपके कहीं ना कहीं पूरी वीडियो देख के जिसने मेरी पूरी पढ़ी है वो बच्चा आज भी पढ़ रहा है, ठीक है। अभी आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको हर वीडियो के अंदर नीचे 20 कमेंट नहीं मिलेंगे, तो आपको वो वाला आपको वहाँ से आप नहीं सीख सकते कि इसको पढ़ाना आता है कि नहीं आता, चैनल अच्छा है या बेकार, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा 20 मिनट, है ना। अगर चैनल बड़ा होता तो आप सिंपल क्या करते, कोई वीडियो खोली उसके 30 कमेंट पढ़े, अच्छे हैं तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, है ना। बट वो चीज़ अभी नहीं है इस चैनल पे, क्यों, क्योंकि अभी यार स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अभी आपको खुद ही 20 मिनट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना सा है, ठीक है। तो आने वाले हफ्ते में हम मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, साइंस न्यूक्लियोटाइड का एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। और फिर आपका मॉलिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर आराम से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, DNA, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, क्या डिफरेंस होता है, क्या है ये, इसमें इंपॉर्टेंट हिस्से DNA रिपेयर वगैरह बहुत आराम से पढ़ेंगे, मैं समझा दूंगा, मैं बिलीव करो मैं समझा दूंगा, ठीक है। और हमारा जो नोट्स वगैरह भी आपके, मैं जब भी कोई भी चैप्टर पूरा होगा नोट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में वो नोट्स की लिंक लगा दूंगा, सो दैट आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो नोट्स प्रिंट आउट करा लेना जब
ठीक है, करा लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझसे बात करो, कोई भी आप अगर कोई वीडियो से आप कुछ पढ़ते हो है ना, तो कमेंट में कर दिया करो, या लाइक कर दिया कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा मुझे, है ना, फीडबैक मिलता है, मतलब तरीके से हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे फीडबैक जरूरत तो होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। चलिए यार, ठीक है, थैंक यू, बाय।